ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, पूरे राष्ट्र में श्री राम जी के सम्मान में आज जगह जगह बहुत सुंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में जैसे कि सारा माहौल ही राममय हो गया है। ऐसा लग रहा है राम राज्य स्थापन होने का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। और राम राज्य की स्थापना करना ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों का एक दृढ़ लक्ष्य है। में ब्रह्मा कुमारी संस्था के भी सैकड़ों भाई बहन श्वेत वस्त्रधारी उस श्री राम जी के सम्मान में इस शोभा यात्रा में उन्होंने भाग लिया। जैसे कि कहते ही हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। मतलब कि वास्तव में सबसे न्यारा वो कौन है, वो वास्तव में सबको रमणीक लगने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा भी वास्तव में राम का रूप बनकर सारे विश्व का कल्याण करने के लिए कैसे अवतरित होके अपना कार्य कर रहे हैं। कहा ही है रामायण में भी, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर मोहे कबूना भावा। श्री राम जी भी कैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए दिखाया है रामेश्वर मंदिर में भी, और वास्तव में परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु जो कि सारी दुनिया के वास्तव में श्री राम भी हैं, सबको रमणीक लगने वाले राम हैं, तब दिल से निकलता रहता राम 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 राम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के भी सभी सेवा केंद्रों पे, उप सेवा केंद्रों पे गीता पर आज दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हेडक्वार्टर माउंट आबू से हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन और राजयोगी भ्राता मृत्युंजय जी, और लखनऊ से ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी, ये सब जो है वहां पर उनको आमंत्रित किया गया और उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में भी वहां पहुंचे हैं।